तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूएस के स्टेट्स एयरफोर्स के अंदर आने वाले एरिया 51 के बारे में, जहां पे लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। आइए जानते हैं इस एरिया 51 के सारे फीचर्स के बारे में। दुनिया के कई देशों से समय समय पर एलियन को देखने की खबर आती रहती है। इन खबरों को कुछ लोग सही मानते हैं, वही कुछ के हिसाब से ये शायद अफवाह होती है। लेकिन अमेरिका की एक ऐसी जगह है जिसका संबंध एलियन से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इस जगह को एलियंस की मौजूदगी का दुनिया से छिपाने के लिए बनाया गया है। हम बात करें यूएस में मौजूद एरिया 51 के बारे में, जहां पे कहा जाता है कि कई लोगों ने वहां पे यूएफओ को उड़ते हुए देखा है और कई लोगों ने वहां पे अलग अलग आवाज सुनते आए हैं। और दुनिया के लिए एरिया 51 बहुत ही रहस्यमय जगह है और अमेरिका सरकार के कई सीक्रेट्स भी इस जगह से जुड़े हुए हैं। कई लोग तो इस जगह को एलियंस का अड्डा मानते हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल उन्होंने बताया था कि वो एलियंस दुनिया के प्राणी यानी एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो भी तरीका बताया था जिससे एलियंस मात्र एक घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह का सफर तय करते हैं। काफी समय पहले एलियंस के डेड बॉडीज वाली फोटोज भी इस एरिया से आ चुकी है। इस तस्वीर की वजह से कई लोगों के मन में इस जगह को लेकर काफी खौफ है। कुछ लोग इस जगह को एलियंस का अड्डा भी मानते हैं और यहाँ तक कि दुनिया में कई ऐसे लोग भी मौजूद है जो ये कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए नहीं। कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका ने नकली सेट लगाकर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। हालांकि इस बात पर कितनी सच्ची है इसका कोई बता नहीं सकता, पर यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स है। तो दोस्तों आज का तो हमारा पूरा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय। हिटलर बन गया सोनी तेरी राखी का।